राम लला को अयोध्या में विराजमान करेंगे तो माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकालेंगे। निकली ना, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या करते थे, सपा का है एक ही नारा, खाली प्लॉट पर कब्जा करके वे बनाते थे अपना, इस ढंग से करते थे, यानी खाली प्लॉट है हमारा, यही बोलते थे ना। और जैसे ही वो 19 मार्च 2017 को मैंने शपथ ली, मैंने पहली बैठक ली और मैंने प्रशासन से कहा, उस समय के मुख्य सचिव से डीजीपी को बुला करके वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, मैंने कहा जितने गरीबों की जमीन पर, जितने व्यापारियों की जमीन पर समाजवादी पार्टी के किसी माफिया ने, किसी गुंडे ने कब्जा किया है, अगले 48 घंटे के अंदर एक कब्जा हट जाना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैंने कहा अगर सीधे मुंह से कोई नहीं मानेगा तो टेढ़ी उंगली से उसको निकालना, और अगर तब भी नहीं मानेगा, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मैंने कहा उसके बाद उसकी छाती को रौंदते हुए बुलडोजर भी चला करके अतिक्रमण को हटा देना। आज मैं कहता हूं, क्या कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा और कोई अपराधी किसी खाली प्लॉट पर कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है क्या? खतरा बनेगा तो 7 पीढ़ी याद करेगी क्या हाल करेंगे। बहनों और भाइयों, सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, बिना भेदभाव की सुरक्षा। एक माफिया यहां भी मंडरा रहा था, देखा ना, ये पप्पू खां की हत्या कर दी गई थी यहां, और दिन दाड़े हत्या करके और फिर क्या करते हैं, हत्या भी करेंगे, और हत्या करने के बाद फिर इसके बाद सहानुभूति व्यक्त करने के लिए भी चले जाते हैं। अब यूपी में ऐसे नहीं चलेगा, यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। और इसीलिए मैं आ जाया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन का जो स्वाद हमें मिल रहा है, फ्री में राशन, मुफ्त में उपचार, किसानों को किसान सम्मान निधि, और यही नहीं, घर 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 शौचालय, हर गरीब को मकान, मोदी जी ने कुछ घोषणाएं और की हैं, 4 जून को जैसे फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो मोदी सरकार बनने के साथ 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को, हर एक बड़े बुजुर्ग को 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार का कार्ड, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होगा।